देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज़। जहां भारत में इंदौर लोकसभा क्षेत्र से शंकर लालवानी की 11,75,000 से अधिक मतों की जीत एवं नोटा को मिले 2,00,000 से अधिक सर्वाधिक वोटों की चर्चा के चलते राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर की नकारात्मक छवि उभर कर सामने आई है। वहीं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शंकर लालवानी की जीत में कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके नामांकन वापस लेने वाले अक्षय बम की तारीफ कर और जीत में अक्षय बम के साहसिक निर्णय का योगदान बताकर लालवानी की बड़ी जीत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कैलाश जी के बयान से यह बात स्पष्ट है कि वे शंकर लालवानी की बड़ी जीत में अक्षय बम का बड़ा योगदान बता रहे हैं। उन्हें 12,00,000 की जीत मिली है, उसमें अनंत अक्षय जी का बहुत साहसिक निर्णय था। जरा तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। शंकर लालवानी जी इतनी बड़ी जीत से जीते हैं कि अब इसको भी तोड़ नहीं सकता, इस रिकॉर्ड को भी तोड़ नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें श्रेय अक्षय जी को ही है। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। बबलू जी हमारे नेता, उन्हें 12,00,000 की जीत मिली है, उसमें अनंत अक्षय जी का बहुत साहसिक निर्णय था। जरा तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। शंकर लालवानी जी इतनी बड़ी जीत से जीते हैं कि अब इसको भी तोड़ नहीं सकता, इस रिकॉर्ड को भी तोड़ नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें श्रेय अक्षय जी को ही है। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। बबलू जी हमारे नेता। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।